नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला बात न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जबलपुर जिले में ब्लॉक शाहपुरा की ग्राम धर्मपुरा में प्राथमिक शिक्षा के पद पर पदस्थ एक शिक्षक दिनेश मिश्रा ने अपनी मिसाल कायम की। उन्होंने एक तरफ ग्राम में कोरोना सर्वे दिनांक 11, 12 और 13 अप्रैल को किया, वहीं दूसरी तरफ पालकों के मोबाइल नंबर लेकर कोरोना के संकट काल में डिजिलिप के माध्यम से घर बैठे बच्चों की पढ़ाई कराने की जानकारी पालकों को दी। शिक्षक दिनेश मिश्रा ने इस दौरान पाया कि ग्राम में 25% लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, शेष 75% के पास जो मोबाइल है उनमें से 10 से 15 लोगों के पास ही एंड्रॉइड मोबाइल है और प्राथमिक शाला धर्मपुरा में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के पास मात्र 2 से 3 पालकों के पास ही एंड्रॉइड मोबाइल है। तब शिक्षक ने दिनांक 23 अप्रैल को ग्राम धर्मपुरा जाकर उन लोगों से संपर्क किया जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है और उनसे बच्चों को डिजिलिप के माध्यम से पढ़ाई कराने का अनुरोध किया। जिन लोगों ने अनुरोध स्वीकार किया उन्हें डिजिलिप ग्रुप में जोड़कर भेजी गई लिंक के माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ कराई। इसके साथ ही साथ जिन पालकों के पास कीपैड मोबाइल है उन्हें सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रेडियो या FM में बच्चों के लिए प्रसारित होने वाले शिक्षा प्रद कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही टीवी पर दिनांक 11 मई से सुबह 10 बजे से 11.30 बजे तक प्रसारित होने वाले शिक्षा प्रद कार्यक्रम की भी जानकारी दी गई। शिक्षक दिनेश मिश्रा इस कोरोना संकट काल में सप्ताह में एक दिन ग्राम धर्मपुरा जाकर माता पिता और बच्चों से मुलाकात कर उन्हें डिजिलिप FM और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई करने की जानकारी देते हैं। साथ ही बाकी दिनों में घर से ही प्रतिदिन 7 से 8 पालकों से बात कर बच्चों की प्रगति की जानकारी लेते हैं। उनके इस प्रयास से आज ग्राम के 45 से 50 बच्चे शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। कोरोना के संकट काल में आज समाज का हर वर्ग संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षक वर्ग के सामने भी आज अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी है। इसके लिए मैंने अपनी दिनचर्या में योग को शामिल किया है। 8 अप्रैल को राज्य शिक्षक भोपाल द्वारा डिजिलिप के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ करने का आदेश जारी हुआ। मेरे द्वारा ग्राम धर्मपुरा में कोरोना सर्वे के साथ साथ प्रत्येक पालक के मोबाइल भी लिए गए। डिजिलिप के माध्यम से पढ़ाई तभी संभव थी जब सभी पालकों के पास एंड्रॉइड मोबाइल हों, परंतु ग्राम धर्मपुरा में चंद पालकों के पास ही एंड्रॉइड मोबाइल उपलब्ध थे। तब मेरे द्वारा 23 अप्रैल को ग्राम धर्मपुरा में पहुंचकर उन लोगों से संपर्क किया गया जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल हैं तथा उनसे ग्राम हित में एवं बच्चों के हित में